वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन आपकी स्किल को, आपके कौशल को समर्पित है। 21वीं सदी के युवाओं की, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है। उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है। और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है, उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना, जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रीस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया, उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया। फ्रेंड्स, स्किल इज समथिंग
विच वी गिव टू आवर सेल्व्स विच ग्रोज विथ एक्सपीरियंस. स्किल इज टाइमलेस, इट कीप्स गेटिंग बेटर विथ द टाइम. स्किल इज यूनिक, इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. स्किल इज अ ट्रेजर दैट नोबडी कैन टेक अवे. एंड स्किल इज सेल्फ रिलायंस, इट इज नॉट ओनली मेक वन एम्प्लॉयबल बट ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयबल. स्किल की यह ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है. साथियों, एक सफल व्यक्ति की यह बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई भी मौका जाने न दे, इतना ही नहीं मौका ढूंढता रहे. स्किल के प्रति अगर आप में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है, एक रुकावट से महसूस होती है. एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ही बोझ बना देता है, और खुद के लिए नहीं अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाता है. वहीं स्किल के प्रति आकर्षण जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है. स्किल सिर्फ रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है. जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जिद चाहिए, तो स्किल हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है, हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है, ऊर्जा का काम करती है. और उम्र कोई भी हो, चाहे युवावस्था हो या बुजुर्ग, अगर आप नई नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होगा. साथियों, स्किल की क्या ताकत होती है, इससे जुड़ा हर किसी का कुछ ना कुछ अनुभव होगा. मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है. और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था. तो एक बार एक संस्था के साथ, उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे. लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय चली नहीं. अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी. हम सब लोग लगे, काफी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं. आखिरकार 7-8 बज गए तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया. उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया. फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपये. उस जमाने में 20 रुपये की कीमत बहुत होती थी. लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपये मांग रहे. उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पे प्रभाव करता है. उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपये नहीं ले रहा हूं, 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है. मैं समझता हूं यही होती है स्किल की ताकत. स्किल आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, प्रभाव को प्रेरक बना देता है. और साथियों, यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है. कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं. ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है,
कहां हैंडल पकड़ना है, कहां ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा। ये सब नॉलेज है, आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है, आपको ही खुद को धीरे धीरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। और इस फर्क को समझना शासन से लेकर के समाज के हर स्तर पर बहुत जरूरी होता है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITIs की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। अब जैसे मर्चेंट नेवी का उदाहरण ले तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है, बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे एम्प्लॉयर्स एक क्लिक में ही स्किल्ड मैन पावर तक पहुंच पाएंगे, खासकर जो श्रमिक हाल फिलहाल में शहरों से अपने गांव में गए हैं, उन्हें इसे बहुत मदद मिल पाएगी। आपने इधर बीच देखा भी होगा कि कैसे एक खास स्किल सेट के साथ गांव पहुंचे लोगों ने गांवों का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। कोई स्कूल को पेंट कर रहा है तो कोई डिजाइन के घर बनवा रहा है। छोटी बड़ी हर तरफ की ऐसी ही स्किल आत्मनिर्भर भारत की ही बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। मैं देश के युवाओं को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वैश्विक महामारी का युग है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूं
और सिर्फ मैं ना दोहराऊं, आप भी दोहराइए। और वो क्या है, पहले तो मैं चाहूंगा आप स्वस्थ रहिए, दूसरा दो गज की दूरी का पालन करते रहिए, मास्क पहनना न भूलें, थूकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए, और जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें, कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए, लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा, और मुझे विश्वास है कि आप अपने हाथों की ताकत, अपनी उंगलियों की ताकत, अपने दिल दिमाग की ताकत इस हुनर के द्वारा पनपाएंगे और बढ़ाएंगे, और खुद की प्रगति करेंगे, देश की भी प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभ